नमस्कार दोस्तों, मैं शाना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामचरितमानस में वर्णित पात्रों के आदर्शों का चित्रण। यह लेख हमें भेजा है आदरणीय डॉक्टर सुनंदा महाजन जी ने, जो हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षता हैं। रामचरितमानस में वर्णित पात्रों के आदर्शों का चित्रण, सुनते हैं इसका पहला भाग। भारत वर्ष की संस्कृति हमारी धरोहर है। इस संस्कृति का शने शने तिरोभाव हो रहा था। हमारे वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत में भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व चित्र है, जिसका अनुकरण करके भारत की मशाल को विश्व में फैला सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य वह सागर है जो रत्नों से भरा हुआ है। चाहे जहां भी गोता लगाओ, रत्न ही रत्न हाथ में आते हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन एवं कार्यों को अपनी अनुभूति में इस प्रकार रमा लिया था कि सारा जग जीवन उसमें प्रतिबिंबित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर महाविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की समन्वयक दिखाई देता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। इस प्रकार जब एक सामान्य व्यक्ति रामचरितमानस का स्पर्श पाकर कवि बन सकता है, तब महान भक्त, कुशल उपदेशक, सौम्य एवं समाज सुधारक तुलसी के लिए कवि बन जाना बड़ी बात नहीं है। मानस के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस ग्रंथ ने समूची मानव जाति को जीवन जीने की सही राह दिखाई है। पुत्र का पिता के प्रति, पुत्र का माता के प्रति, भाई का भाई के प्रति, देवर का भाभी के प्रति आदर्श स्थापित किया है। वर्तमान लॉकडाउन समय में समाज के सभी परिवारों को एक साथ जीने का मौका मिला। मुझे लगता है कि वर्तमान भारतीय बच्चों ने रामायण के पात्रों को काफी नजदीक से जानने की चेष्टा की। जहां तक मैं समझती हूँ, हमारी पीढ़ी ने रामायण और महाभारत को पढ़ा और उसका प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से देखा, सराहा और आत्मसात किया। हमारे भारतीय समाज में 80 से 90 के दशकों में जब रामचरितमानस का पाठ परिवार में खास मौकों पर रखा जाता था, जिसका तात्पर्य था कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उसका वाचन किया जाता था, जिससे सभी लोगों को इसके साथ रूबरू होने का समय मिलता है। तुलसी एक महान कवि, संत एवं दार्शनिक होने के साथ ही साथ अपने युग के सफल लोकनायक थे। कहना ना होगा कि उनका यह असाधारण लोकनायकत्व ही है जिसके बल पर वे अपने क्षेत्र में मध्य युग की, जो प्राय संसार की सभी सभ्य जातियों के लिए साहित्यिक वैभव का स्वर्ण युग था, शेक्सपियर और मिल्टन जैसी विभूतियों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचे उठ जाते हैं। उनके साहित्य के अंतर्गत भारतीय जन संस्कृति की आत्मा समस्त प्रकार से अभिव्यक्ति पा सकी है। तुलसी काव्य का सारा परिवेश ही सांस्कृतिक रहा है। वैयक्तिकगत और समष्टिगत जीवन की विविध परिस्थितियों तथा समस्याओं को उभार कर विभिन्न प्रकार से आदर्शों और व्यावहारिक समाधानों का जितना मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण इस ग्रंथ में हुआ है, उतना हिंदी साहित्य में नहीं हो सका। इस क्षेत्र में तुलसीदास के काव्य और विशेष रूप से रामचरितमानस का योगदान अनुपम और अद्भुत है। इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे कि तुलसीदास ने राम को
शक्तिशील तथा सौंदर्य से मंडित करने के साथ और किस रूप में चित्रित किया है। यह जानने के लिए आप हमारे चैनल प्रखर गूंज से जुड़े रहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।